मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं, यानी कौम के लिए अपनी नई क़यादत चुनने का वक्त आन पहुंचा है। क्या इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे? इस हवाले से क्या खदशात पाए जाते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। कौमी असम्बली समेत 4 में से 2 सूबाई असम्बलियों की आइनी मुद्दत 12 अगस्त 2023 को पूरी होने जा रही है। इस सूरत में पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक 12 अक्टूबर तक और अगर कबल अज़ वक्त इन्हें तहलील कर दिया जाता है तो 90 दिन में आम इंतखाबात का इनाकाद ज़रूरी है। आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत इस मुद्दत में इजाफा उसी सूरत में मुमकिन है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाएँ। मजमूई सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीडिया को ब्रीफिंग से अवामी और सियासी हलकों में पाए जाने वाले शकूक व शुबात दूर हो जाने चाहिए। ब्रीफिंग में वादे किया गया है कि असम्बलियाँ चाहे वक्त पर या उससे पहले तलील हों, इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है और इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। हकूमत वादे कर चुकी है कि अगर असम्बलियों की तहलील के दिन तक मरदमशुमारी को नोटिफाई ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन पर लाजम है कि वह इंतखाबात का इनाकाद पुरानी फहरिस्तों की बुनियाद पर करवाए। मालूम यह हुआ है कि निगरान सेटअप के हवाले से वजीर आजम काम कर रहे हैं। जिन नामों पर वजीर आजम मुत्तफिक हैं उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और ये अमल 10 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। अगर मरदमशुमारी की मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसल से हो जाती है तो नई हल्का बंदियों के लिए 4 से 4.5 माह दरकार होंगे। याद रहे कि कौमी इदारे शुमारियात की जानत से डिजिटल मरदमशुमारी मई 2023 में करवाई गई थी। इस मरदमशुमारी के इब्तदाई नतायज में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की आबादी 24,95,00,000 से तजावज कर चुकी है। MQM, PTI और जमात इस्लामी ने इस मरदमशुमारी पर एतराज उठा रखा है। इन एतराज का बरवक्त तदारक किया जाना जरूरी है। याद रहे कि मुल्क का आइन जमहूरी अमल का जामन होता है जिसकी पासदारी तमाम कौमी इदारों पर लाजम है। इसके बावजूद लोगों में यह खदशा पाया जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन 60 या 90 दिनों में इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा तो उस सूरत में क्या होगा। तो ये महज मुल्क में बेचैनी पैदा करने के शौकीन और गैर जमहूरी सोच रखने वाले मनफी अनासर का प्रोपेगंडा हो सकता है। वज़ीर आज़म आइनी मुद्दत के अंदर आइंदा माह अपनी हुकूमत की बर्खास्तगी का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मीडिया ब्रीफिंग ने इस पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी है। इसके अलावा इक्तसादी राबता कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए 42,528 करोड़ रुपये मख्तस करने की मंजूरी दे दी है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने भी मजवजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी है। इन तरामीम की मंजूरी कौमी असम्बली और सैनेट से ले ली जाएगी। इसके मुताबिक हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटरों की मसावी तादाद पर की जाएंगी। दूसरी जानब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़ है। बरवक्त गैर जानबदार और शफाफ इंतखाबात का इनाकाद जमहूरी निज़ाम का सबसे बुनियादी तकाजा है। इस हवाले से हालिया दिनों में पाए जाने वाले शकूक व शुबहात का होना नई बात नहीं है। इससे पहले भी गुज़श्ता 2 दहाइयों में होने वाले इंतखाबात में इसी तरह के शकूक व शुबहात सामने आते रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गैर जमहूरी दौर में परवान चढ़ने वाली रिवायात हैं जो अब दम तोड़ चुकी हैं। ताहम वक्त का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अंदर मस्बत जमहूरी सोच पैदा करें और आम इंतखाबात के अमल को तमाम खामियों से पाक करने की कोशिश भी करें।